दोस्तों, अगर आप टेक चैनल को फॉलो करते हैं तो एक इंटरनेशनल टेक चैनल है, कनाडा का चैनल है, जो कि है लाइनस टेक टिप। लाइनस मीडिया ग्रुप में काफी सारे चैनल है, जैसे टेक क्विकी, उसके अलावा भी बहुत सारे चैनल है जिनको मैं फॉलो करता हूं पर्सनली। उनका एक वीडियो आया था जहां पर अभी उनका जो चैनल है और उनके दो तीन चैनल है अलग अलग, वो सब हैक हो गए थे। मतलब आप सोच के चलिए, इतना बड़ा चैनल है वो। हम टेक्निकल गुरुजी की बात करते हैं, बट उनसे भी काफी बड़ा है वो एक तरह से काफी सारे चैनल चलाते हैं टेक में। मेरे पर्सनली मेरा बात करूं तो वो नंबर वन है। वो जो बंदा है लाइनस जो है, वो रियली में उसको पता है टेक क्या होता है। मतलब हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। उनका चैनल हैक हो गया था। और हमारे यहाँ के कुछ इंडियन यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगा, और वो बोल रहे कि पासवर्ड सही करो आपका। क्या इतना बड़ा वो टेक चैनल है, क्या उसने पासवर्ड अपना सही नहीं रखा होगा? मतलब कुछ भी तो बोल रहे, उनको रियलिटी पता ही नहीं कि कैसे हैक हो गया। फिर भी उन्होंने न्यूज दे दी कि हाँ, ये चैनल हैक हो गया, पासवर्ड सही रखो। तो रियलिटी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में एकदम हिंदी में। हालांकि उन्होंने जो लाइनस है, उन्होंने अपने खुद के चैनल पे वीडियो जरूर डाला है कैसे उनका चैनल हैक हो गया, बट वो इंग्लिश में, लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि कैसे हैक हो जाते हैं चैनल। मतलब क्या ऐसा होता है जिससे हैक हो जाते हैं? फिर चाहे आपने पासवर्ड रखा हो, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो रखा हो, कोड रखा हो, सब कुछ रखा हो, फिर भी आपका चैनल हैक हो सकता है। मतलब एक छोटी सी गलती और आपका चैनल हैक हो जाएगा। फिर चाहे आपको सामने वाले को आपका पासवर्ड भी नहीं पता है, आपका मोबाइल नंबर भी नहीं पता है, तो भी आपका चैनल जो है वो हैक हो सकता है। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आपका चैनल हैक हो सकता है और कैसे आप उससे बच सकते हैं। सब कुछ बताऊंगा पूरा डिटेल में आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों, अगर आप चैनल चलाते हैं, आप यूट्यूबर हैं या फिर नहीं भी हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसा हो गया, मतलब हैकर जो हैं वो आपका चैनल हैक करके और कुछ नहीं करेंगे, वो पैसे कमाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा आपने जो बैंक अकाउंट दे रखा है यूट्यूब में, एडसेंस में, वो चेंज कर देंगे और अपना डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्योंकि अगर वो इतना इंतजार करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे और कुछ ना कुछ हो जाएगा उनके साथ। इतना इंतजार वो नहीं करते। अब वो क्या करते हैं, चैनल कोई भी हैक हो जाए, मतलब उनको एक्सेस मिल गया उस चैनल का, वहां पर डायरेक्टली वो लाइव स्ट्रीम करेंगे, क्योंकि लाइव स्ट्रीम सबसे फास्ट होती है। अगर वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और लाइव स्ट्रीम से अगर जैसे बड़े चैनल है, जैसे लाइनस का चैनल है, मतलब लाइनस मीडिया ग्रुप जो है पूरा, उनके जो चैनल पे व्यूज काफी अच्छे आते हैं। मतलब वो वीडियो डालते से ही, मतलब आधे दो घंटे या तीन घंटे में डायरेक्टली उनके पास 5-6 लाख व्यूज आ जाते हैं। तो वो लाइव स्ट्रीम भी करते हैं तो भी काफी ऊपर जाती है उनकी लाइव स्ट्रीम। तो वहां पर जो है उनके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है पैसे कमाने की। कैसे? अब उन्होंने क्या किया, जैसे उनका चैनल हैक हुआ, लाइनस मीडिया ग्रुप के जो भी जो मेन लाइनस टेक टिप है वो हैक हुआ, तो वहां पर डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम चला दी, वो भी कुछ इलॉन मस्क की लाइव स्ट्रीम चला दी, और उनके चैनल का नाम ही चेंज कर दिया और लाइव स्ट्रीम चला दी के कुछ भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड यहाँ पर लाइव स्ट्रीम चला दी उन्होंने। और वहां पर नीचे लिंक दे दिया उसमें कि इस लिंक पे जाओ, आप मुझे इतने जो है वो बिटकॉइन भेजो, मैं आपको डबल या 10 गुना करके भेजूंगा। तो बहुत से लोगों ने उस पे भेजे भी हैं और उनके पैसे तो वापस नहीं आए। जैसे आप मान के चलो कि आपने उस पे 5-6 हज़ार रुपए भेज दिया, 5-6 हज़ार के 10 गुना जितने भी आपको मिलने थे, वो तो आप यही सोचोगे ना कि मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा चैनल है वो ये सब कर रहा है। तो अब बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि ये चैनल हैक हो गया, ये रियली में ऐसी कुछ स्कीम चल रही है। तो इसलिए ये जो बीच का गैप है, इसको जो हैकर होते हैं वो यूज करते हैं। और वहां पर जो आप अगर हो गए या फिर कोई भी एक टेकी होगा, तो वो वहां पर पैसे नहीं भेजेगा, या फिर जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो तो भेजेगा ही नहीं। अगर मान लो ऐसे कुछ टेक्निकल बंदे हैं, वो भी नहीं भेजेंगे, उनको पता है कि यहां पर कुछ मिलना नहीं है, ये चैनल हैक हो गया है और लाइव स्ट्रीम चल रही है। और कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जिनको टेक के बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं बट उनको टेक के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि यार मुझे तो पैसे डबल करना है अपने, तो वो पैसे उस चैनल पे जो भी लिंक डाला है उस हैकर ने उस पे भेज देते हैं। और वहां से क्या होता है, मेन जो है वो उनका शुरू होता है। एक बार पैसे भेज दिए, अब वो कभी भी वापस नहीं आने वाले, क्योंकि वहां पर उन्होंने बिटकॉइन के थ्रू या भी ब्लॉकचेन होती है या फिर जो एड्रेस होता है वो उसके थ्रू भेजते हैं, तो वो वहां पर ट्रैकेबल होता ही नहीं है और वो कभी भी पैसे आपको वापस नहीं मिलते। एक गुना तो ठीक है, जो आपने लगाए वो भी नहीं मिलेंगे वापस। तो इस तरह की यहां पर आजकल जो है वो चल रही है, बहुत सारी चल रही है। अब ये हुआ कैसे, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आपके पास भी अगर ऐसा कुछ भी आता है कि डबल कर रहे हैं, 1 के 10 कर रहे हैं, भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब बात करते हैं यहां पर लाइनस के चैनल की, कि कैसे वो हैक हुआ और कैसे आपके चैनल भी हैक हो सकते हैं अगर आप चैनल यूज करते हैं, चैनल बनाते हैं। आपके पास आपका चैनल है ऑलरेडी और आप वहां पर वीडियो बना रहे हैं और आपने भी मेल एड्रेस डाला ही होगा आपके चैनल में, स्पॉन्सरशिप आती होगी आपको, तो ये एक बार यहां पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। तो देखिए, यहां पर जो मेन काम होता है सिस्टम का, आप जो सिस्टम यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं या जो भी आप लैपटॉप यूज करते हैं, वहां पर आपने क्रोम में आपका चैनल लॉगिन किया होता है। और अधिकतर 99% ऐसे लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, कि आप जो है कभी आपका चैनल जो है वो लॉग आउट नहीं करते हैं। और सिर्फ चैनल नहीं, यूट्यूब नहीं, काफी सारी वेबसाइट
वेबसाइट जो होती है हम लॉग आउट करते ही नहीं है। फेसबुक हो गई, सोशल मीडिया जितनी है हम लॉग आउट करते ही नहीं है। और अगर हम डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर बंद भी कर देंगे, वापस क्रोम ब्राउजर चलाएंगे तो वो एज इट इज चल जाएगी, वहां पर कोई लॉग इन पासवर्ड वगैरह कुछ मांगेगा ही नहीं वो। और यहाँ पर इसका एक वीक पॉइंट है, मतलब ये इसको वो पकड़ लेते हैं, हैकर लोग इसको पकड़ लेते हैं। अब कैसे पकड़ेंगे वो भी मैं बताता हूँ। जो लाइनस के साथ हुआ एग्जैक्टली मैं आपको वो बता रहा हूँ कि क्या हुआ है एक्चुअली में। अब देखिए, जैसे आपके और मेरे चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं, मतलब बहुत सारे मेल आते हैं कि मतलब आप सोच के देखिए स्पॉन्सरशिप के, और मेरे चैनल तो कुछ भी नहीं उनके सामने, जो लाइनस का चैनल हैक हुआ है उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो उनके पास कितने मेल आते होंगे। उनके पास भी एक ऐसा ही मेल आया। अब उस मेल में क्या होता है, एक लिंक होती है। अब वो लिंक भी होती है और एक फाइल भी होती है, मतलब लिंक तो बहुत सारी होती है खैर, बट एक फाइल भी होती है। अब यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन भी हम चेंज करके भेज सकते हैं सामने वाले को। ऐसा लगता है कि ये पीडीएफ है बट वो एक्चुअली में पीडीएफ नहीं होती है, वो एक बैट फाइल होती है। मतलब बैट फाइल क्या होती है, जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक स्क्रिप्ट रन हो जाएगी बैकग्राउंड में आपके सिस्टम में, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये एक सबसे ड्रॉबैक है इस है इन हैकरों का, कि ये जो ट्रिक जो भी वो यूज करते हैं कि आप डबल क्लिक कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके बैकग्राउंड में सिस्टम में क्या हो रहा है, बट वो जो स्क्रिप्ट दे रहे हैं वो वहां पर बैकग्राउंड में एक्टिव हो गई और आपके कंप्यूटर या सिस्टम में इंटरनेट है, जो कि मेरे हिसाब से 100% होगा अगर आप मेल यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली जो भी डेटा है वो उन हैकर के पास पहुंच जाएगा। ऐसी वो स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब वो उसको रीनेम करके देते हैं कि ये हमारा ब्रोशर है, ये हमारी पूरी फाइल है, या फिर ये हमारा पोर्टफोलियो है, ये आप देख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ हम रियल है। स्पॉन्सरशिप वो दे रहे हैं, हम रियल है, हमको पता चल जाए, सामने वाले को पता चल जाए कि सामने ऐसा वो बिलीव कराते हैं आपको कि वो आप देख लो। जब आपने डबल क्लिक किया, आपने सोचा कुछ नहीं हो रहा है, रख दो, आप रख दोगे सिस्टम, छोड़ दोगे उसको और अपना दूसरा काम करने लग जाओगे, बट आपको ये नहीं पता कि वो बैकग्राउंड में बहुत कुछ कर रहे हैं वहां पर। अब देखिए बैकग्राउंड में क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, जो कि लाइनस के साथ हुआ है। यहां पर हुआ क्या था, जैसे डबल क्लिक हुआ, जो भी आपके सिस्टम की टेम्परेरी फाइल होती है, मतलब कैशे फाइल होती है या सेशन होते हैं। देखिए सेशन को मैं एक्सप्लेन करूं बेसिक लैंग्वेज में, तो वो सेशन होता है कि जैसे आपने कुछ भी चीज लॉगिन करी, जैसे यूट्यूब लॉगिन किया, फेसबुक लॉगिन किया, तो वो जो आपके ब्राउजर के साथ एक सेशन यहाँ पर बन के आपके ब्राउजर की कैश मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, या फिर हम कह लो उसको परमानेंट भी हो सकती है वो, क्योंकि हमेशा रहती है वो, उसमें स्टोर हो जाते हैं। उससे ब्राउजर को आपके ये पता चलता है कि हाँ ये लॉगिन क्रेडेंशियल है और ये साइट पे ये ईमेल एड्रेस से लॉगिन किया हुआ है, तो मुझे इसको लॉगिन करना है, उसके अलावा कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन नहीं करना है। तो ये आपके ब्राउजर को पता होता है कि मुझे इन इन वेबसाइट पे ये यूजर को लॉगिन रखना है, लॉग आउट नहीं करना है, क्योंकि लॉग आउट किया नहीं है यूजर ने, तो वो ब्राउजर आपका क्रोम समझ जाता है कि ये सेशन में है और इसको इसके साथ इंक्लूड करके, और वो सब कुछ समझ लेता है। बहुत सारी की होती है, बहुत लंबा प्रोसेस है अगर मैं समझाने बैठूं तो, बट आप ये समझिए कि सेशन जो होते हैं कोई भी वेबसाइट के सेशन होते हैं, मतलब जो बैंकिंग वेबसाइट है उनके सेशन तो बहुत कम होते हैं, बट हम नॉर्मली बात करें यूट्यूब फेसबुक इनके जो भी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, इनके सेशन चलते रहते हैं, इनके सेशन कभी खत्म ही नहीं होते जब तक हम नहीं जाए। तो ये आप क्या करेंगे, एक बार लॉगिन कर लिया आपने तो वो आपकी जो सेशन है, सेशन कुकीज ये सब स्टोर करके ब्राउजर रखता है साथ में, आपके सिस्टम में रखता है वो, ताकि आपको बार बार लॉगिन नहीं करने पड़े, आपकी फैसिलिटी के लिए ये वो करता है। इसी का जो हैकर लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं। अब वो ऐसी फाइल बना के भेज रहे हैं जिससे आपका जो ये सेशन डेटा है, क्रोम ब्राउजर, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, जितने भी सेशन है, जितनी भी फाइल है, वो क्या करते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं। ये बहुत इजी है बनाना, मतलब हैकर के लिए ये बहुत इजी है। ऐसी स्क्रिप्ट बनाएंगे जिनमें ये सारे जो होते हैं, ये सारा जो डेटा है वो आपके सिस्टम से कॉपी होके सामने वाले के सिस्टम में चले जाएगा, और ये इजी है क्योंकि आप ही उसको परमिशन दे रहे हैं, वो अपने आप नहीं हो रहा है। आपने उस फाइल पर डबल क्लिक किया या सिंगल क्लिक किया तो वो स्क्रिप्ट जो है वो एक्टिव हो गई। एक बार स्क्रिप्ट एक्टिव कराने की जरूरत होती है, बस स्क्रिप्ट एक्टिव हो गई आपके सिस्टम में तो विंडोज को तो यही लगेगा कि ये जो यूजर जो लॉग इन है अभी वो खुद चाह रहा है ऐसा करना, बट सिस्टम को ये थोड़ी पता कि ये थर्ड पार्टी आके और गलती से यूजर से हो रहा है। तो ये यहाँ पे आपके सिस्टम की गलती है ना, यूट्यूब के पासवर्ड हैक हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये आप खुद कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप फाइल आपने आ रही है आपके अटैचमेंट में, ईमेल के अटैचमेंट में, तो वो ओरिजिनल फाइल है या नहीं। अब देखिए गूगल का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यार जो फाइल आ रही है मेल में वो क्या एक रियली जो एक्सटेंशन दिया है उससे वो, क्योंकि ये भी समझ नहीं पाता, ये भी एक तरह से हम बात करें तो ये भी एल्गोरिथम पे ही काम करता है, तो जो एल्गोरिथम जितनी उसकी मतलब अंडरस्टैंडिंग है वो उतना समझ लेगा, बाकी वो नहीं समझ पाएगा। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि आप उस रियली में उस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं हमेशा मेल चेक करता हूँ, ऑफिशियल मेल चेक करता हूँ। कई बार क्या होता है ऑफिशियल मेल से भी बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती है जो ऑफिशियल मेल से भी हम किसी को भी मेल भेज सकते हैं, तो हमें मतलब बहुत यहाँ पर जो है वो ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि हमारे पास जो भी मेल आ रहे हैं वो रियल है या नहीं, कोई सी फाइल आ रही है तो वो रियल है कि नहीं। अगर देखिए पीडीएफ वगैरह होगी तो वो ऑटोमेटिक आपके मेल में दिख जाएगी अगर रियल में होगी तो, और बहुत सारी ऐसी भी आजकल आ गई है कि दिख रही है फिर आप डबल क्लिक करें तो भी बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट रन हो जाती है, आपको बहुत यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था लाइनस मीडिया ग्रुप पे कि एक फाइल आई थी उनको स्पॉन्सरशिप किसी तीसरे पर्सन ने, क्योंकि उनका क्या होता है उनका जो भी चैनल है जितने भी चैनल है वो 5-6 लोगों में जो है वो डिवाइड करके रखते हैं वो लोग, क्योंकि काफी बड़ी कंपनी है वो,
एक बंदा नहीं कर पाएगा मैनेज, तो सबको लॉगिन डिटेल दे रखे है, सबको सब कुछ दिया हुआ रहता है और सबके पास जो है वो लॉगिन होते हैं चैनल। फिर हालांकि उसको पता नहीं था जो भी बंदा था कि वो रियल है या फेक मेल है, बट उसने जब वो स्क्रिप्ट ऑन करी तो उसके सिस्टम में सारा जितना भी डेटा था वो सब सामने हैकर वाले के पास, जो भी हैकर था उसके पास पहुंच गया और उसके पास सारी डिटेल पहुंच गई, यहां तक कि उसकी स्ट्रीमिंग की जो होती है वो भी चली गई। अब चैनल पूरा ही चला गया तो स्ट्रीमिंग की क्या करेगी, तो सारी फाइल चली गई। तो जैसे उसने क्या किया, एक क्रोम ब्राउजर ओपन किया, वहां पर वो जो सेशन है वो सेशन उस फाइल में डाउनलोड करी, जो भी उसका जो हैकर है उसके क्रोम ब्राउजर में सेशन में डाल दिया उसको ले जाके। फिर क्रोम जैसे ही ओपन किया तो सारी जो उस सेशन में जो भी वेबसाइट पे वो लॉगिन था बंदा जिस ईमेल आईडी से, वो सारी लॉगिन हो गई और एक तरह से जो पूरा चैनल है वो सामने वाले के पास चला गया। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप मतलब सभी जगह से लॉगआउट नहीं कर दें, और ये हमको समझने में इतना टाइम लग जाएगा कि यार कैसे इसको लॉगआउट करें, हुआ क्या है हमारे साथ यही नहीं हमें पता चलेगा इतने जल्दी जल्दी। तो ये सब समझने में काफी टाइम लगता है जब तक कि लाइनस का चैनल ही डिलीट हो गया था। अब डिलीट कैसे हुआ, काफी सारी लाइव स्ट्रीम चल रही थी। अब यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब को नहीं पता कि ये कौन चला रहा है। यूट्यूब की एल्गोरिथम तो ये देखती है कि अगर ऐसी कोई लाइव स्ट्रीम चल रही है जिससे ये बिटकॉइन वगैरह जहां पर जा रहे हैं वो कुछ ऐसी मलिशियस लिंक है जिसमें, तो वो क्या करता है यूट्यूब डायरेक्टली आता है, एल्गोरिथम उसकी एक्टिव होती है और वो डायरेक्ट चैनल उड़ा देती है। चैनल की कोई दिक्कत नहीं है, चैनल उनका वापस आ गया है, अभी सब कुछ नॉर्मल है। बट आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके पास कोई भी मेल आ रहा है, SMS आ रहा है, कोई भी लिंक आ रहा है, तो आप उस पे डायरेक्टली आंख बंद के क्लिक मत करिए, देखिए उसको पहले समझिए, क्योंकि लिंक भी हम पहचान नहीं सकते, लिंक की कोई पहचान नहीं है। वो आजकल लिंक शॉर्टनर आ गए तो वो बड़ा सा लिंक आपको एक लिंक शॉर्टनर में डाल के दे देंगे, बिटली का आता है, गूगल का आता था पहले खत्म हो गया, और काफी सारे लिंक शॉर्टनर आते हैं उनमें छोटा करके दे देंगे आपको और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से आपको जो है वो बहुत मतलब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, और कुछ भी आता है तो आप पहले जो टेक्निकल बंदा है आपके पास जो भी समझने वाला है कि यार ये पहचान सकता है कि ये लिंक ओरिजिनल है या नहीं, या फिर ये यहाँ पर मैं पेमेंट करूँ कि नहीं, उसके पास जाइए क्योंकि वो अच्छे से समझ पाएगा, तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये लिंक है सही है नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है वो बच सकते हैं इन सारी हैकरों से, और ये हैकर होते नहीं है मेरे ख्याल से, ये एक बायपास करने का ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ चीजों को, क्योंकि हैकर को इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, हैकर होता है डायरेक्ट सिस्टम में घुसता है। तो ये एक तरह से ये जो लोग होते हैं ये कुछ ना कुछ करके बायपास करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आपका सेशन डेटा ले लिया तो वो डायरेक्टली आपके पूरे सेशन जो भी आपने लॉग इन किया होगा आपके ब्राउजर में, सेम काम मोबाइल पे भी हो सकता है। तो मोबाइल का भी यही है कि अगर मोबाइल में भी आपने ऐसा कुछ कर दिया तो मोबाइल में भी सेशन होते हैं, सब कुछ मोबाइल में भी होता है, तो मोबाइल के साथ भी ये सब हो सकता है। आप सोचिए कि हमारे पास तो मोबाइल है, तो मोबाइल में भी आप बच नहीं सकते, मोबाइल का तो और खतरनाक है, मतलब मोबाइल में तो आपकी गैलरी पूरी पूरी कॉपी हो जाएगी अगर आपके पास इंटरनेट है तो। क्योंकि देखो इंटरनेट और ये हैकर ये अगर जुड़े हुए हैं आपके सिस्टम में इंटरनेट है तो कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने पूरा बता दिया है आपको कि किस तरह से उनका चैनल हैक हुआ था, कैसे आप बच सकते हैं, और बहुत सारे जो यूट्यूबर है उनको पता भी नहीं है, वो बोल रहे पासवर्ड चेंज, पासवर्ड तो पता ही नहीं है, पासवर्ड की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना उसके ही पूरा चैनल ले लिया था उन्होंने। आप क्या कर रहे हो भाई, इतना बड़ा चैनल है आपका, आप थोड़ा सा देखते तो सही, उन्होंने वीडियो डाला है पूरा का पूरा कि कैसे उनका चैनल हैक हुआ है, उसको थोड़ा सा बता देते अपने चैनल के व्यूअर को। पर ठीक है, ये मैंने तो बता दिया है खैर, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना है, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।